मधुबनी से एक लड़की के मिसिंग होने की सूचना मिली, जिस पर FIR संख्या 253 दर्ज किया गया। चूँकि लड़की जो है मुजफ्फरपुर जो बालिका गृह से बच्चियां शिफ्ट हुई थी, उसमें से एक बच्ची थी। जांच के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया कि लड़की की रिकवरी और कांड का जो भी इसमें तथ्य हैं वो सामने हैं। शुरू में जो बातें बताई गई कि कैसे गई, क्या गई, बहुत सारी चीज़ें संदिग्ध लगी। चूँकि जो उसकी नाइट गार्ड थी शोभा देवी, वो बहुत सारी बातें झूठ बोल रही थी। हम लोगों ने जब इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो उसमें शोभा देवी को ये लगा कि शोभा देवी को पकड़ने में बहुत सारी चीज़ें पता लगेंगी। शोभा देवी डर की वजह से भाग गई थी। उससे जब फ़ोन पर संपर्क किया गया तो उसने बताया कि मैं दिल्ली में हूँ, किंतु वो झूठ बोल रही थी। ये कई सारी चीज़ों से पता लगा। 8 तारीख को शोभा देवी की गिरफ्तारी हुई। शोभा देवी की गिरफ्तारी के बाद ये स्पष्ट हुआ कि वो रात में ताला लगाना भूल गई और सो गई, जबकि वो नाइट ड्यूटी है, उसकी नाइट गार्ड की ड्यूटी है। उसने जो तथ्यों को घुमा फिरा के शुरू में बताया, उसकी वजह से मामला संदिग्ध हो गया था। किंतु अभी जो उसका बयान है, जो CCTV फुटेज है, जो लड़की की केस हिस्ट्री है, सारी चीज़ें मिलाकर बिल्कुल स्पष्ट होता है कि अभी तक के अनुसंधान में इसमें कोई षड्यंत्र नहीं है। लड़की को मौका मिला और लड़की भाग गई। लड़की की रिकवरी के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। कई टीमों का गठन किया गया है। जहाँ जहाँ हम लोग सोच रहे हैं कि जा सकती है लड़की या जहाँ जाना चाहती थी, वहाँ वहाँ हम लोगों ने टीम भेजी है और टीमों का गठन किया जाएगा। तथा कई सारे तरीके हैं, पेपर में छपवाना है, स्टेशन पे फोटो लगवाना है या बात करना है खोजने के लिए अन्य आश्रय स्थलों पर, तो वो हम लोग कर रहे हैं। इसमें अभी तक और कोई भी षड्यंत्र की कोई बात नहीं है। जो लड़की का फाइल है, जो लड़की की केस फाइल हम लोगों ने पढ़ी जब से लड़की मिली है, मतलब मुजफ्फरपुर से लेकर अभी तक की, उसमें पर डे एक लोग लिखते हैं उनका।